दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेन एसी की मोटर की वायरिंग कैसे की है मैंने और क्या क्या सिस्टम है इसके अंदर, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मॉडल नंबर लिखा हुआ है, 24 मॉडल नंबर है ये, यानी ये 2 टन का मशीन है और ये ट्रेन कंपनी का ये FCU है यानी इंडोर यूनिट है। और इसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है और ये जो ब्लोअर है इसके 4 स्पीड होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है और नीचे हम आज का इसकी वायरिंग बताएँगे आपको कि आप यहां से कैसे इसकी वायरिंग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मशीन में यानी कौन सा वायर हमारा कौन सा स्पीड का है। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा और नया ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों वायरिंग पे आते हैं तो यहां आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है ब्लोअर मोटर और आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 स्पीड दिया गया है और ऊपर में ब्लैक कलर का दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा हाई, तो एक्स्ट्रा हाई का होता है ब्लैक का जो पॉइंट होता है वो डिस्कनेक्ट हुआ रहता है जब कंपनी आपको डिस्कनेक्ट करके देती है। जब आपको चाहिए यानी आवश्यकता के अनुसार तब आप यहाँ पे ब्लैक वायर को निकाल के यानी ब्राउन वायर को निकाल के आप वहाँ पे ब्लैक वायर लगा सकते हैं। देख सकते हो आप ऊपर लिखा हुआ भी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्राउन वायर को निकाल के ब्लैक वायर जब आप लगा दोगे तो वो आपका सबसे हाई वाला वायर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 1 नंबर में हाई है, 2 नंबर में मीडियम है और 3 नंबर में लो है और 4 नंबर में हमारा कॉमन का वायर है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है यानी जो हाई है वो BR लिखा हुआ है, तो BR का मतलब होता है ब्राउन वायर और मीडियम का यानी होता है BL लिखा हुआ है यानी ब्लू वायर। और यहाँ पे लो जो लिखा हुआ है RD लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रेड वायर। और नीचे जो कॉमन यानी न्यूट्रल उसमें लिखा है WH, तो WH का मतलब होता है वाइट वायर। तो ये 4 पॉइंट होते हैं। अगर आपको स्पीड इसका बढ़ाना है तो आप सिर्फ ब्राउन वायर को निकालना है और ब्राउन वायर को निकालने के बाद वहाँ पे अगर ब्लैक वायर लगा देते हैं तब आपका जो फ़ैन का स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ये ब्लोअर है, ये एक मोटर है, 2 ब्लोअर हैं इसके अंदर, कैपेसिटर अंदर कनेक्ट हुआ आता है और यहाँ पर देख सकते हो ये कनेक्ट किया गया है वायरिंग पूरी। तो जो ब्लैक वायर है उसके अंदर कुछ भी कनेक्ट नहीं हुआ है यानी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारा लो मीडियम हाई लगा हुआ है और जो हमारा वाइट वायर है वो हमारा न्यूट्रल का वायर है। तो ये इस तरह से इसकी वायरिंग है, देख सकते हो कैपेसिटर मोटर के अंदर ही फिक्स हुआ है, सिर्फ हमारा स्पीड के जो वायर होते हैं यानी 4 स्पीड के वायर और एक हमारा न्यूट्रल का वायर वो हमारा बाहर कनेक्ट हुआ है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने ब्लू ब्लू में लगाया है, ब्राउन ब्राउन में, रेड रेड में और यहाँ पे येलो ग्रीन जो कि बॉडी अर्थ होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरह से कनेक्ट किया गया है। यानी यहाँ पे पैक कभी भी सर्विस में ये मोटर गया था इसके लिए यहाँ पे वायर को काट के यहाँ पे कनेक्टर लगाया गया है। तो इस तरह से इसकी वायरिंग है, देख सकते हो हाई हमारा ब्राउन है, मीडियम हमारा ब्लू है और लो हमारा रेड है और हमारा जो कॉमन है ये वाइट वायर है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो ये कनेक्टर बना हुआ है और यहाँ पे थर्मोस्टेट की वायरिंग की गई है। ये जो रेड वायर है ये हमारा फेस वायर है जो कि हमारा थर्मोस्टेट में गया है और ये जो ब्लैक वायर है ये हमारा न्यूट्रल यानी कॉमन वायर है और ये जो येलो ग्रीन है ये हमारा कंप्रेसर में ऊपर गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे 3 स्पीड के येलो वायर कनेक्शन किए गए हैं और नीचे हमारा थर्मोस्टेट में वो वापस से गए हुए हैं, फिर वहाँ से हमारा कमान आता है, फिर हमारा लो मीडियम स्पीड में हमारा जो एसी है वो अच्छे से वर्क करता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल है, समझ जाएंगे कि जो हमारा हाई है वो ब्राउन है, मीडियम है वो ब्लू है और लो जो है वो रेड है, यानी जो रेड कलर का है वो लो है और जो कॉमन यानी वाइट वायर वो हमारा न्यूट्रल का वायर है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन वीडियो था, तो ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो इस तरह से इसकी वायरिंग थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेक्निक और नए कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सेफ्टी के साथ आप काम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जाके ज़रूर करें।